you want solo hair, what you want? पच्चीस साल ताल के 25 साल। एक ज़माना था जब कुमार जी को भी मालूम है, इनको भी मालूम है कि एक पिक्चर जब लिखते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि सिर्फ 25 हफ्ते चल जाए, सिल्वर जुबली हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम बना रहे थे तब हमको भी यही था कि 25 वीक चल जाए, पर ईश्वर ने इतनी कृपा की कि ताल को आज 25 साल हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि आज के जो तीसरी जनरेशन है उससे भी ताल कनेक्ट करती है, कि जितने छोटे बच्चे हैं, जो ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दे आल्सो कम टू मी कि अंकल हमने इतने पीछे देखी, 3 बार देखी, 4 बार देखी। तो सबसे बड़ी जो सक्सेस है, उस सक्सेस का राज तो सबसे सामने रहमान साहब है। और उस फिल्म को जो अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, मार्केट किया, इनकरेज किया हमको, वो कुमार साहब ने किया। कुमार साहब ने कहा कि आप अच्छी पिक्चर बनाओ, हम आपको पूरे पैसे देंगे। इन्होंने पूरे पैसे दिए और हमने पूरा काम किया और फिर पूरी पिक्चर बनी। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज़ अ लेसन फॉर यंगर जनरेशन ऑल्सो। आप कभी भी पिक्चर बनाओ, कोई भी लिखो, आप ये सोचो कि ये पिक्चर 25 साल के बाद जब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आज इतना बड़ा जश्न हो रहा है 25 साल के बाद, जब हम बनाते हैं तो उस वक्त सोचते हैं कि नहीं अभी 10 दिन के लिए इनिशियल मिल जाए, 2-4 हफ्ते चल जाए, बहुत है। क्योंकि आपकी सोच जब छोटी होगी, चाहे वो स्टूडियो हो, स्टार्स हो या मेकर हो, सोच आपकी होनी चाहिए। हमने तब भी सोचा था, मुझे याद है कि जब हम लोग साथ में बैठते थे, हम ये सोचते थे यार एक ऐसा म्यूजिक बनाना चाहिए जो इमोर्टल हो, जो डिवाइन हो। चलेगा नहीं चलेगा हमें मालूम नहीं, लेट्स मेक एक्सेलेंट म्यूजिक। एंड ही पुट ऑल हिज सोल, माइंड, टैलेंट इन द वेरी फर्स्ट फिल्म, वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट फिल्म्स रिलीज, रंगीला रिलीज हुई थी उनकी। और इवन ऑल अवर एक्टर्स, ऐशु राय, अनिल कपूर, अक्षय खन्ना हमारे मित्र, आप देखो उनमें परफॉर्मेंस, हमारे कोरियोग्राफर सामंत डावर, सरोज खान, अहमद खान, आनंद बख्शी साहब, इवन शर्मिष्ठा राय आर्ट डायरेक्टर, ये सब तो किस्मत की बात है। लेकिन जो असली बात यह है, सब ने एक खुशी से इस पिक्चर में काम किया, सब ने अपने दिल लगा के काम किया। जब सब लोग दिल लगा के काम करते हैं तो ताल बनती है। I think Taal was a journey of discovery for me, you know. Discovery in the sense I'd done Roja in the South, and then there was Bombay and Dilse. But with him, what I felt was he was discovering, and I was just in the journey of discovery along with him. And we shared whatever we had with each other, and the journey was beautiful. And that's why I think it's traveled this far. तो ऑब्वियसली बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एंड ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट चांस टू वर्क विद सुभाष जी, एंड
विद सच अ बिग फिल्म मेकर एंड आई न्यू कि ये बहुत बड़ी फिल्म है. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई करियर. जब मैं शुरू शुरू में आया था तब की ये फिल्म है. और मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि बड़ी फिल्मों में क्या होता है कि बड़े स्टार्स होते हैं, तो मैं नया नया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं खो ना जाऊँ उसमें. बट मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको जो मुझे हमेशा याद रहता है. सुभाष जी ने मुझे फ़ोन किया और बड़े प्यार से मुझे कहा कि तुम्हें काम करो, तुम ज़रा इस एड्रेस पे आ जाओ. सो आई वेंट टू अ फ्लैट एंड ही नरेटेड मी द होल 3 hours ऑफ द फिल्म. जबकि मैं एक एक्टर था, किसी एक्टर को सुभाष जी अगर कहानी सुना रहे हैं सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. बट आई फेल्ट सो एट होम एंड इट वॉज देन अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी एंड आई गॉट टू वर्क विद ग्रेट एक्टर्स लाइक ऐश्वर्य राय, अनिल कपूर साहब. अरे लीजिए आ गए. देखिए मैं इनसे कैसे मिलता हूँ. हम लोग कैसे मिलते हैं? कपूर साहब, कपूर साहब, कपूर साहब, बहुत दिन बाद. आपको अंदर आ रहे कि सब यही होना है? अंदर बातें होंगी ना. अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यू नो ताल मेरी पहली फिल्म नहीं थी सुभाष जी के साथ, और रहमान साहब के साथ भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. और आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी यू नो एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ देम इन दिस फिल्म. एंड आई थिंक समटाइम्स मैजिक इज क्रिएटेड एंड द यूनिवर्स डज इट. आई थिंक रहमान साहब ऑल्सो बिलीव्स इन इट, राइट? इट्स अ यूनिवर्स, इट्स गॉड. एंड व्हेन गुड पीपल कम टुगेदर, गुड technicians and good artists come together, something, some magic happens. The magic has happened in Taal, you know, and I just went, I was directed by Subhaji. Fresh ki lagti hai. Aapki har film fresh lagti hai. Rahman sahab ka har jo music hai, that is always fresh. Aur aap bhi fresh lagte hain abhi sir. Main koshish karta hoon. All your films, Rahman sahab, all the films I have been listening. They have long legs and they are fresh. They have, you know, because I think you all did it with so much of love and purity. And that's the reason Taal is evergreen, and thanks to the way, you know, all of them, and I was just a part of Taal. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. I remember. म्यूजिक खरीदा था तो या बेटर लेट्स गो इनसाइड. आप अंदर आ जाइए. Thank you.
Thank you, sir. Thank you. सेंटर में उधर आ जाते कंफ्यूज इनका ले लो पहले मोर फेमस जो ज्यादा फेमस होता वैसे ज्यादा लेते Got it? Done? Thank you. Whoa.